जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोग का। आज हम बात करने वाले हैं महिला आर्मी भर्ती में महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में। जी हाँ, कट ऑफ को कैसे घटाया जाए उसके बारे में आज हम बताएंगे। और लड़कियां जितनी भी मेहनत कर रही हैं, खून पसीना एक कर रही हैं आर्मी में जाने के लिए, और उन्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उन्हें गुमराह किया जा रहा है, आज हम उस पर बात करेंगे। और हाँ, आपको अपना हक मांगना पड़ेगा, आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, तो ही कट ऑफ को घटाया जाएगा और तभी आप सभी का एडमिट कार्ड आएगा। आर्मी वाले बहुत ही नाइंसाफी कर रहे हैं महिला भर्ती को लेके, और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे आवाज़ उठाएंगी और कट ऑफ को कैसे घटाया जा सकता है। जैसा कि आप सभी लोग जानती हैं कि महिला आर्मी भर्ती का 2020 में कट ऑफ 85% गया है और 2019 में कट ऑफ 86% गया है। और जितनी भी लड़कियाँ एनसीसी होल्डर हैं और चाहे जितनी भी लड़कियाँ जी जान से मेहनत करने वाली हैं, उनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। उसके लिए वो क्या करें कि उनका एडमिट कार्ड आए, ये मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं। आप आर्मी वालों को कैसे कांटेक्ट कर सकती हैं, अपनी आवाज सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे उठा सकती हैं, और हां, आप कैसे इंडियन आर्मी से कांटेक्ट कर सकती हैं, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि आप लोग को पूरी जानकारी मिल सके। चलिए, तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं पहले आपको बता देता हूँ। जो आर्मी के जनरल बने हैं नए, वो एमएम नरवन है। ठीक है, और पिछले जो आर्मी के जनरल थे वो बिपिन रावत हैं। इस समय ये डिफेंस के मतलब वो हैं। ठीक है, और ये एमएम नरवन आर्मी के इस समय चीफ जनरल हैं। तो इन तक हमें अपनी बात पहुँचानी है। क्या करना है, इन दोनों तक हमें अपनी बात पहुँचानी है। तो हम इन दोनों तक बात कैसे पहुँचाएंगे, पहले ये बता देता हूँ। इन दोनों का आप नाम देख लीजिए। अब मैं आपको कुछ ईमेल, ठीक है, कुछ मोबाइल नंबर, इनका आर्मी का ऑफिशियल मोबाइल नंबर और कुछ एआरओ सेंटर का कॉन्टैक्ट एड्रेस मैं एड्रेस देने वाला हूँ। या तो आप यहाँ पे स्पीड पोस्ट यानी पोस्ट कीजिए, या तो एआरओ सेंटर पे जाइए, या तो आप लोग सोशल मीडिया पे ट्वीट कीजिए, या तो आप लोग को कैसे इनसे कॉन्टैक्ट करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे आप आर्मी के साइट पर सबसे पहले चले आइएगा। ठीक है, आर्मी के साइट पर आने के बाद आपको लिखना है ज्वाइन इंडियन आर्मी। अगर आप लोग को आवाज़ उठानी है आर्मी के खिलाफ तो इस पर आपको लिखना है, और आपके साथ अन्याय हो क्या रहा है और आपको लिखना क्या है और आपको कैसे अपनी बात को रखना है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। देखिए, जैसे आर्मी की भर्ती क्लास 10th पास लड़के भी देखते हैं, क्लास 10th पास लड़कियां भी देखती हैं, लेकिन लड़कों के अगर 45% होते हैं तो A to Z सभी लड़कों के एडमिट कार्ड आते हैं। ये पूरा ऑल इंडिया में सभी को मालूम है। लेकिन वही अगर लड़कियों के 45% होते हैं तो किसी का एडमिट कार्ड नहीं आता है, किसी का एडमिट कार्ड नहीं आता है अगर 85% से above नहीं है तो। लेकिन हाँ, आर्मी का नोटिफिकेशन होता है कि अगर 45% लड़की पाई है तो वो आर्मी का फॉर्म भर सकती है। आखिर में क्यों उनका फॉर्म भरवाया जा रहा है जब उनका एडमिट कार्ड ही रिलीज नहीं होगा, उनकी सारी मेहनत बेकार जा रही है, उन्हें बेवकूफ क्यों बनाया जा रहा है आर्मी की तरफ से, उस पर आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको joinindianarmy.nic.in पे चले जाना है। यहाँ पे कैप्चर कोड डालना है, हम कैप्चर कोड डाल लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद लॉग इन करेंगे और इनका एड्रेस पूरा निकालेंगे और जहाँ पे हम अपनी बातों को रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैप्चर कोड डाल लेता हूँ। ठीक है, कैप्चर कोड डालने के बाद इसे डाल लीजिएगा 388। ठीक है, कैप्चर कोड डालने के बाद आपके सामने इंडियन आर्मी की साइट इस प्रकार से कुछ खुलेगी। ठीक है, जब इस प्रकार से इंडियन आर्मी की साइट खुलेगी तो ऊपर कॉर्नर में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है कॉन्टैक्ट अस। यहाँ पे मतलब इनसे कॉन्टैक्ट करें, कोई भी समस्या है तो आर्मी से कॉन्टैक्ट करें, और हमें आर्मी से समस्या है तो हम कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करने के बाद इनका सारा जो मतलब जितना भी ऑल ओवर इंडिया में एड्रेस है, सेंटर है, बीआरओ एआरओ हर जगह का हमें मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए कि आप किस राज्य के हैं। ठीक है, आप किस राज्य के हैं, वहां पे आपको क्या करना है। सबसे पहले या तो आपको पोस्ट करना है, आप अपने घर के आसपास देखेंगे कोई पोस्ट ऑफिस है तो आप लोग को इनके एड्रेस पे पोस्ट भेजना है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमने एनसीसी किया है, चाहे हमारा इतना परसेंटेज है, हमें भी हक मिलना चाहिए, हमारा भी एडमिट कार्ड आना चाहिए। आप लोग को मेल करना है। मान लो आप हरियाणा से हो या हिमाचल प्रदेश से हो या चंडीगढ़ से हो तो आपको अंबाला एआरओ है। ठीक है, अंबाला जीआरओ है। ठीक है, आपको अंबाला क्लिक करने के बाद आपका यहां पे एड्रेस खुल जाएगा। जैसे मैंने अंबाला पे क्लिक कर लिया और यहां पे टेलीफोन नंबर भी दिया था, तो यहां पे अंबाला में जितने भी हेडक्वार्टर हैं, ऑफिसर रैंक पे हैं, आपको हर जगह का यहां पे डिफेंस मिनिस्ट्री का यहां पे टोटल आपको एड्रेस दिख रहा है पिन कोड के साथ। यहां पे देख सकते हैं, यहां पे पूरा एड्रेस दिख रहा है, अंबाला कैंट, पिन नंबर 13301, ईमेल ये हो गया, मोबाइल नंबर ये हो गया, मतलब आपको पूरा विधिवत रूप से एड्रेस पिन के साथ दिया है। या तो आपको इस पे मेल भेजना है, ठीक है,
या तो आपको इस पे पोस्ट करना है, ठीक है, या तो इस पे आपको कॉल करना है। तीन रास्ते हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से आप आर्मी वालों से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे रोहतक का है, ठीक है, ये हिसार का है, ठीक है, मतलब ये सारे शिमला का है, ठीक है, ये मंडी का है, मतलब हर जगह का एआरओ सेंटर का लिस्ट है। अब पीछे चलेंगे तो आपको और भी दिख जाएगा लिस्ट। मैं सारी जगह का आपको कॉन्टैक्ट नंबर मेल दिखा देता हूँ जिसपे आपको कॉल करना है, ठीक है, या मेल भेजना है, या आपको टेलीग्राम पोस्ट ऑफिस पे जाके पोस्ट करना है। जब तक आप अपनी बातों को कहीं पर रखेंगे नहीं, देखिए पोस्ट करने से क्या फायदा होगा, देखिए आप लोग का जितना भी पोस्ट है उसे दबाया नहीं जाएगा, वो आर्मी के सीधे जनरल के पास जाएगा, जिस सेंटर पे भी आप भेजेंगे वहां पे वो जाएगा और आपके पोस्ट को पढ़ा जाएगा कि क्या लड़कियों के साथ समस्या हो रही है, तभी आप लोग का समाधान निकलेगा, तभी आप लोग की समस्याओं का समाधान निकलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। और मैं आपको जो लिस्ट दिखाने जा रहा हूँ आप लोग देख लीजिए सबसे पहले, ठीक है, थोड़ा सा पीछे आ जाइए और मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा, ठीक है। आप लोग पीछे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस पे दोबारा जाइए, ठीक है, उसके बाद आपको जो मेल दिया है वो देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं इलाहाबाद का हो गया, भोपाल का हो गया, बेंगलुरु का हो गया, ठीक है, यहाँ पे मेल है और यहाँ पे जितने भी स्टेट है वहाँ का एआरओ है, वहाँ का ये टेलीफोन नंबर लिस्ट है, ये पूरा टेलीफोन नंबर लिस्ट है। उसके बाद यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो वहाँ का आपको एड्रेस मिलेगा, अगर आप राजस्थान में है तो जयपुर के एआरओ पे यहाँ पे जाके आप अपना, या तो आप वहाँ पे सीधा चले जाएं 8-10 लड़कियों का ग्रुप बनाकर, ठीक है, और वहाँ पे तुरंत सामने ही आप नोटिस लिखें, या तो आप नोटिस लिखकर यहाँ पे पोस्ट करें, या तो आप कोलकाता के हैं तो कोलकाता में लिखें, लखनऊ के हैं तो यहाँ पे लखनऊ पे क्लिक करते हैं, लखनऊ का एड्रेस देख लेते हैं, लखनऊ का एड्रेस क्या है, यहाँ पे सारा देखिए, हेडक्वार्टर रिक्वायरमेंट जोन लखनऊ, यहाँ पे लखनऊ का हेडक्वार्टर है, वाराणसी का हेडक्वार्टर है, ठीक है, आगरा कैंट का हेडक्वार्टर है, बरेली का हेडक्वार्टर है, मेरठ का, मतलब हर जगह का एड्रेस आपको दिया है। देखिए 236 ममता गांधी रोड लखनऊ कैंट, पिन नंबर इतना, ईमेल इतना, टेलीफोन नंबर इतना, ये तो आप लोग को अपनी, अगर अब तक आप लोग जागरूक नहीं हुए हैं तो आप लोग को इसी तरह से दबाया जाएगा और आप लोग कुछ भी नहीं कर सकती हो, ठीक है। देखिए ऐसे ही आप लोग के साथ नाइंसाफी होती रहेगी जब तक आप अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगी। अभी आपने हाल ही में कुछ दिनों पहले देखा होगा SSC रेलवे वगैरह जितने भी CPS की एग्जाम रुके थे, लड़कों ने आवाज़ उठाई तो उनकी डेट आ चुकी है, ठीक है। अब देखिए वो भर्ती फाइनल हो जाए तो मानना है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स होती है, हर एक एग्जाम को लेके पॉलिटिक्स होती है। जब भी चुनाव आता है उससे पहले लड़कों के लिए एग्जाम निकाल दिया जाता है, लेकिन उसे फाइनल बहुत रेयर केस में ही किया जाता है। तो मैं आप लोग को यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग अब भी अपनी नज़र को पलटिए, ठीक है, अपने लिए खड़े होइए कम से कम। अगर उसमें आपका फायदा नहीं होता है तो कम से कम पीछे जो आने वाली गैप जनरेशन है, आपकी बहन हो गई, चाहे उनकी बहन हो गई, उन्हें तो कोई फायदा होगा। अगर आप लोग कुछ भी नहीं करती हैं तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर आप हमारा साथ देंगी तो ही हम कुछ कर सकते हैं। हम यहाँ तक आप लोग को जागरूक इसलिए कर रहे हैं ताकि आप सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठा सकें, ठीक है। तो मैंने यहाँ तक आप लोग को बताया कि आप लोगों को MM नरवन और बिपिन रावत से कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे, इन्हें आप लोग को मेल लिखना पड़ेगा, एक पत्र लिखिए और एड्रेस मैंने दे दिया है, जहाँ की भी हो सेंटर देख लेना, एड्रेस वहाँ पर जाकर आर्मी की साइड से निकाल लेना, लिखिए 2 MM नरवन जो भी है बिपिन रावत, अप्लीकेशन जैसे लिखी जाती है कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारा एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है, आप लोग बोलते हैं कि 45% है तो लड़कियां फॉर्म भर सकती हैं, लेकिन आप लोग क्यों फॉर्म भरवाते हैं जब एडमिट कार्ड ही नहीं देना रहता है। तो इस प्रकार से आप चाहे हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें, दोनों ही पत्र मान्य होगा और आप लोग को ये भेजना पड़ेगा। और ट्विटर पर अगर इन लोगों की कोई पोस्ट दिखती है तो उस पर टैग कीजिए ज्वाइन इंडियन आर्मी लिख के, मतलब इधर उधर जब तक आप शेयर नहीं करेंगे। और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लड़कियों में शेयर करो ताकि लड़कियों को जागरूकता मिले, जानकारी मिले, ताकि वो लोग भी आवाज उठा सकें। अगर आप हमारी मदद नहीं करती हैं तो हम भी आपकी मदद ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जो हमें बन सका, जो हमसे हुआ, हमने आप लोग को बताया कि आप लोग अपनी हक, अपनी बात कैसे मीडिया के बीच में या सोसाइटी के बीच में या इनके बीच में कैसे रख सकती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कारण भी बता दिया, ठीक है, कि लड़कों के साथ क्यों होता है, लड़कियों के साथ क्यों नहीं होता है, तो आप लोग को ये भी एक कारण मिल जाएगा। मैंने सब कुछ बता दिया, जो बीच में देखा है फिर से वीडियो प्ले करें और स्टार्ट करें, बीच में मैंने सब कुछ बता दिया है कि क्या क्या कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो वीडियो को भगाइए मत, आराम से देखिए और अपनी बातों को रखिए, क्योंकि ये आपका हक है, ठीक है, और आज की डेट में दोनों को बराबर हक मिला है। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।